हेलो एवरीवन, आज मैं 5 मिनट में बनने वाली आलू की सूखी चटपटी सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे सूखा दम आलू भी कह सकते हैं। ये रेसिपी एक परफेक्ट टिफ़िन बॉक्स रेसिपी है, जिसे आप मॉर्निंग में झटपट बना के दे सकते हैं। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम कढ़ाई में लेंगे 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ऑयल गरम हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून जीरा, बारीक कटा हुआ लहसुन, ये भी हम 1 चम्मच ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ 2 से 3 सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ। इसे मैंने 2 से 3 टुकड़ों में तोड़ लिया है। आप इसकी जगह हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, बट लाल मिर्च हो तो ज़्यादा बेटर है इस रेसिपी के लिए। थोड़ा सा यानी कि 1 पिंच हम इसमें डालेंगे हींग। अब हम इन सभी को कुछ सेकंड के लिए भूनने देंगे। आप देख सकते हैं लहसुन और मिर्ची अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो अब बारी है इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करने की। मसाले ऐड करने से पहले फ्लेम को लो कर लें। सबसे पहले इसमें जाएगा 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर ना हो तो आप चाट मसाला भी ले सकते हैं, बट आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। इससे इस रेसिपी का जो टेस्ट है वो और भी इन्हेंस हो जाता है। बस अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल किया हुआ आलू, क्योंकि मसाले ऑयल में बहुत तेज़ी से जलने लग जाते हैं। इसके लिए 4 मीडियम साइज के आलू को उबाल कर इसके सारे छिलके को मैंने निकाल लिया है और इसे मैंने रफली हाथों से ही तोड़ लिया है। अब हम इस आलू को इन मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को वापस मीडियम पे कर लेंगे। बस अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक। वापस हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक ढककर कुक करेंगे, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो आलू में अच्छे से आ जाए। ध्यान रखें आप इसे बीच में 1-2 बार चला लें, वरना ये नीचे से जलने लगेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, ये मैं 1 छोटा चम्मच ले रही हूँ। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे वापस से 1 से 2 मिनट तक ढककर कुक करेंगे, ताकि हमने जो गरम मसाला डाला है उसका फ्लेवर आलू में अच्छे से आ जाए। इस बार आप फ्लेम को लो पर कर दें। चलिए चेक कर लेते हैं। वाह, कितनी लाजवाब और कितनी कम टाइम में बनकर तैयार हुई है हमारी सब्जी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो लीजिए, रेडी है हमारी सब्जी। आप इसे दाल, चावल, चपाती, पराठे किसी के साथ भी खाएंगे तो बहुत ही कमाल की लगती है, और आप इसे एज अ स्नैक चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।